हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाएगा, तो आप सभी की प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो गई होगी। सारे जो पॉइंट्स थे जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से रिगार्डिंग, उससे रिगार्डिंग मैंने आप सभी को कुछ सब कुछ बता दिया है। अगर उसके अलावा कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि अभी जो लास्ट का जो टाइम है ना, उस टाइम में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है वो पैनिक हो जाते हैं, तो डोंट पैनिक। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी होप नहीं है। बस आपको जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं वैसे ही आपने को जेईई मेंस का जो एग्जाम है उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इतना हार्ड प्रोसीजर नहीं है जैसे आपको लग रहा है कि भी हाँ वहां पे जाके क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा थिंकिंग मत रखिए, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए किसी चीज को लेके। सब कुछ है जो इजी है बिल्कुल, बस आपको अपनी प्रिपरेशन है जो आपने अपनी तैयारी की है आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरी जो तैयारी है वो 100% है। जो भी आएगा पेपर में हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसा भी है जो भी है वो हमें पेपर के अंदर जाके हमें देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से कोई भी पैनिक मत हो, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स वो लास्ट टाइम में इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो सब कुछ ऐसे सोचते हैं कि अब सब कुछ पढ़ लेते हैं हम एक दिन में, मतलब सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो हमें जो अच्छी तरीके से याद होते हैं जो चीजें कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट टाइम में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और जब वो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो हमें माइंड में ये चीज होती है कि अरे यार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता तो मैं इस चीज का आंसर है वो दे देता, और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस होता है और उस एक पॉइंट की वजह से आपको बाकी क्वेश्चनों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अरे हाँ यार मैंने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा था, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। तो ये चीज मत कीजिए, लास्ट टाइम पे पैनिक मत होइए और जितना उसके उतने अच्छे से अपनी जो लास्ट की टाइम की जो प्रिपरेशन है अपनी कंप्लीट कर लीजिए, रिविजन है जो भी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।